नमस्कार, स्वागत है आपका भक्ति टॉप 10 में। मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आइए नजर डालते हैं धर्म और अध्यात्म जगत से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर। पिछले 9 दिनों से मनाया जा रहा नवरात्र आज हुआ खत्म। भक्तों ने धूमधाम के साथ मनाया विजयादशमी का पर्व, साथ ही नमाखों से किया माता का विसर्जन। आज से उदयपुर में आरंभ हुई श्री रामकृष्ण कथा एवं अपनों से अपनी बात व दीन बंधु वार्ता। 10 अक्टूबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में परम पूज्य आचार्य कैलाश जी मानव अपने प्रवचनों के माध्यम से ईश्वर के सच्चिदानंदमय स्वरूप का करेंगे वर्णन। कल से नोएडा में होगा शिव कथा का आयोजन। 13 अक्टूबर तक चलने वाली इस कथा में श्रद्धेय स्वामी अभिदानंद जी महाराज अपनी दिव्यवाणी में भगवान शंकर की महिमा का करेंगे गुणगान। कोलकाता में 11 अक्टूबर से होगा नानी बाई का मायरा कार्यक्रम। 13 अक्टूबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में कथावाचिका देवी जया किशोरी जी अपने भजनों और प्रवचनों के माध्यम से भक्त नरसिंह मेहता की भक्ति का करेंगे गुणगान। पंजाब के मोगा में 11 अक्टूबर को होगा भजन संध्या का आयोजन। इस भजन संध्या में पूज्य साध्वी त्रिपदा भारती जी अपनी सुमधुर वाणी से श्रोताओं को भक्ति रस में करेंगी सराबोर। 14 अक्टूबर से श्रीहित आश्रम वृंदावन में लीजिए श्रीमद भागवत कथा का आनंद। 20 अक्टूबर तक चलने वाली इस कथा में परम पूज्य गौरदास जी महाराज अपनी दिव्य वाणी में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीलाओं का करेंगे सुंदर वर्णन। जबलपुर मध्य प्रदेश में 15 अक्टूबर से होगा श्रीमद भागवत कथा का शुभारंभ। 22 अक्टूबर तक चलने वाली इस कथा में परम पूज्य जगत गुरु राधा मोहन शरण देवाचार्य जी महाराज अपने प्रवचनों के विरल धारा के जरिए श्रोताओं में जगाएंगे भक्ति की अलख। 28 अक्टूबर से बीकानेर में कीजिए श्रीमद भागवत कथा का रसपान। 4 नवंबर तक चलने वाली इस कथा में परम पूज्य श्रीमद माधव गौड़ेश्वर श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज अपनी ओजमयी वाणी में लोगों को देंगे धर्मनिष्ठ बनने की प्रेरणा। योग और आयुर्वेद के प्रवर्तक परम पूज्य स्वामी रामदेव जी के विभिन्न कार्यकलापों और शिविरों का प्रसारण देखिए हर रात 9 बजे सिर्फ संस्कार पर। आयुर्वेद से जुड़ी रोचक बातें और जड़ी बूटियों द्वारा रोगों से निजात पाने के घरेलू और आसान उपाय जानिए श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के आसान नुस्खों में प्रतिदिन संस्कार और सत्संग पर। तो ये थी धर्म और अध्यात्म जगत से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। धर्म और अध्यात्म जगत से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप अपने आसपास हो रही धार्मिक गतिविधियों की जानकारी हमें info@sanskargroup.in पर दे सकते हैं, जो इन खबरों को हम शामिल करेंगे भक्ति टॉप 10 में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।